ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डी स्टूडेंट। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अर्थक्वेक। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अर्थक्वेक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? भूकंप। भूकंप मतलब क्या होता है? ज़मीन। और कंप का मतलब क्या होता है? कंप कंप होना। तो भूकंप का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी ज़मीन होती है तो उसमें क्या होता है कि अचानक से ही मूवमेंट होने लग जाता है, कि जैसे वो अप एंड डाउन से ऊपर नीचे होने लग जाती है, उसमें कुछ क्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ मूवमेंट्स हो जाता है। जैसे हमारी ज़मीन है वो भी एक जगह फिक्स है, लेकिन जैसे हमारी ज़मीन में कहीं अप एंड डाउन हो जाता है, मूवमेंट्स हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भूकंप। भूकंप मतलब ज़मीन, और कंप का मतलब होता है कंपकंपा हो जाना, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक। उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अर्थक्वेक। हमने ये तो पढ़ लिया कि अर्थक्वेक होते हैं, ठीक है। तो वो ज़मीन होती है, ज़मीन के अंदर सडनली मूवमेंट होता है, उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। देखो, एन अर्थक्वेक इज़ द सडन शेकिंग्स ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। जैसे हमारी ज़मीन होती है, वो ज़मीन का सरफेस जैसे ही वो अचानक ही यदि उसमें मूवमेंट होने लग जाता है, अचानक से ही वो हिलने लग जाता है, ठीक है। जो हमारी ज़मीन है उसका सरफेस जैसे ही अचानक से हिलने लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक, ठीक है। अब देखो, विच इज़ मेड अप ऑफ प्लेट्स विच मे बी बिग और स्मॉल। जैसे हमारी ज़मीन होती है, वो ज़मीन क्या होती है, नीचे नीचे उसके नीचे बहुत सारी प्लेट्स होती है जिनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स तो कुछ तो बड़ी होती है और कुछ क्या होती है, छोटी हो जाती है। तो उन्हें फ्रिक्शन होने लग जाता है, उनमें आपस में टक्कर होने लग जाती है। तो फ्रिक्शन होने की वजह से उनमें एनर्जी डेवलप हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पे अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में जो टेक्टोनिक प्लेट होती है, तो वो या तो स्मॉल होती है, तो वो छोटी रहेगी, या कैसी होती है, वो बड़ी होती है, ठीक है। दीज प्लेट्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। इन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है? जैसे ये हमारी ज़मीन है, ठीक है। तो ये ज़मीन होती है, इस ज़मीन के नीचे हमारी जो इस टाइप की जो प्लेट्स होती है, मतलब एक तरह से हम बोलते हैं कि पत्थर की मोटी मोटी प्लेट्स होती है, ठीक है। तो उनमें कुछ तो बड़ी होती है, कुछ कैसी होती है, छोटी होती है। तो उनमें मूवमेंट्स होने लग जाता है। कई बार क्या होते हैं कि वो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में फ्रिक्शन होने की वजह से, उनमें घर्षण होने की वजह से उनमें एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो वो बहुत सारी एनर्जी क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। उनमें टक्कर होने की वजह से बहुत सारी एनर्जी बन जाती है। तो वो एनर्जी क्या होती है? जो ऊपर उनके ऊपर जो लैंड है, ये जो ज़मीन है, उसके ऊपर फोर्स लगाती है। तो यहाँ वो एनर्जी नीचे यहाँ जो बनी, तो वो एनर्जी जैसे ही ऊपर वाली ज़मीन पे फोर्स लगाएगी, तो ये ज़मीन इसमें मूवमेंट हो जाएगा, मतलब ज़मीन हिलना डुलना प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ जो एनर्जी होगी तो वो क्या करेगी, यहाँ से उस पर फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ज़मीन में क्या आ जाएगी, दरार आ जाएगी, और वो एनर्जी यहाँ से छेद करके बाहर एटमोसफेयर में मिल जाएगी। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है कि हमारी जो अर्थ सरफेस होता है उसमें सडनली मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो ज़मीन होती है वो उसमें वो हिलने लग जाती है, ठीक है। तो उसमें दरार आने लग जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको जिसकी वजह से हमारे जो बिल्डिंग्स है, ठीक है, जो हमारी रोड है वगैरह है, रेल की ब्रिज है, ठीक है, और जो जितनी भी जो हमारी जो घर वगैरह है, सारे के सारे तहस नहस हो जाते हैं। किसकी वजह से? अर्थक्वेक की वजह से। क्योंकि अर्थक्वेक होता है वो कैसा आता है? सडनली आता है। तो ये हमारे पास में एक नेचुरल डिज़ास्टर है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी सहायता से हम अर्थक्वेक का पता लगा सकते हैं कि वो उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, कि कितनी स्पीड से वो आया था। ये क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास में कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर टू देखो, व्हाट इज़ एन एपिसेंटर। एपिसेंटर का मतलब क्या होता है? जैसे ये हमारी ज़मीन है, ठीक है। अब इस ज़मीन पे, यहाँ से मैंने बताया कि यहाँ पे जो ज़मीन के नीचे वाली जो प्लेट्स होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। तो इन टेक्टोनिक प्लेट्स में फ्रिक्शन होने की वजह से यहाँ से बहुत सारी एनर्जी डेवलप हो जाती है, और ऊपर वाली जो लैंड सरफेस है, ये ज़मीन है, इस पर फोर्स लगाती है। तो फोर्स लगाती है तो ज़मीन में वो ये जो ज़मीन ऊपर वाली, तो इसमें मूवमेंट होने लग जाएगा, मतलब ज़मीन में क्या आ जाएगा, उसमें सडन शेकिंग हो जाएगी, उसमें वो एकदम से हिलने डुलने लग जाएगी, उसमें कुछ दरारें वगैरह आ जाती है, ठीक है। तो उस जहाँ से वो एनर्जी डेवलप हुई, यहाँ जहाँ से वो एनर्जी डेवलप होकर बाहर निकली, ठीक है, तो उस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। एपिसेंटर का मतलब क्या होता है? भूकंप का केंद्र। जहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ था, जहाँ से वो एनर्जी नीचे से निकल के बाहर आई थी, तो उसका एक पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे गुजरात में कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक
ठीक है, तो वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, तो वो एक पॉइंट था, ठीक है, वो अर्थक्वेक का एक पॉइंट था जहाँ पे वो एनर्जी है वो बाहर निकली थी, उस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। देखो द प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक बिगन्स इज कॉल्ड एपिसेंटर, जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है या जहाँ से जो भूकंप का केंद्र होता है, जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, उस वाले प्लेस को हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर, क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास में आएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास में है कि व्हाट हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास में है कि साइंटिस्ट जो हमारे पास में जो अर्थक्वेक होता है उसको मेजर करने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट को काम में लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ, क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ। देखो द साइंटिस्ट मेजर अर्थक्वेक विद एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ क्या होता है कि हमारे पास में जैसे भूकंप आता है, ठीक है, तो उसको मापने का एक डिवाइस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ। तो इस सीस्मोग्राफ पे कुछ ऐसे एक स्केल बना होता है, इससे पैमाना बना होता है, तो वो कहाँ से होता है, 1 से लेकर 9 पॉइंट तक स्टार्ट होता है, ठीक है। यूजिंग ए स्केल नोन एज ए रिएक्टर स्केल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टर स्केल। ये 1 से तो स्टार्ट होता है और 9 तक जाके समाप्त हो जाता है, तो इसका एक स्केल बना होता है, पैमाना बना होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टर स्केल, ठीक है। अब व्हाट इज़ द रेंज ऑफ रिएक्टर स्केल, अब हमारे पास में जो रिएक्टर स्केल है, ठीक है, तो उसकी रेंज कितनी होती है, देखो द वीकेस्ट अर्थक्वेक आर क्लोज टू 1, जो सबसे कम के जो अर्थक्वेक आते हैं उनकी इंटेंसिटी तो क्या होती है, 1 से, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। यदि मान लो अर्थक्वेक की रिएक्टर स्केल पे अर्थक्वेक अपने एक नंबर पे आया, ठीक है, उसकी रिएक्टर स्केल पे वैल्यू उसकी एक नंबर है, इसका मतलब ये हो गया कि जो अर्थक्वेक है वो बिल्कुल कम स्पीड पे आया था, उससे नुकसान वगैरह कम होते हैं, ठीक है। और एंड द सीवियर वंस आर क्लोज टू 9 द रिएक्टर स्केल, और यदि हमारे पास में वही रिएक्टर स्केल पे यदि भूकंप यदि 6 से 7 से 8 पॉइंट पे उनकी स्केल आती है, रिएक्टर स्केल पे उनकी वैल्यू 6 होती है 7 होती है, तो उससे वो भूकंप बहुत तेज आता है, उससे में बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिलता है। तो हमारे पास में जिससे भूकंप नापने का जो पैमाना होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टर स्केल। और ये रिएक्टर स्केल कहाँ काम में आता है, सीस्मोग्राफ एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसको वो क्या काम में आता है कि जो हमारे अर्थक्वेक होता है, जो ज़मीन की जो सडन शेकिंग होती है जिसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं, तो उसको मापने के लिए एक डिवाइस काम में लेते हैं साइंटिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ। तो इस सीस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस पे जो एक ये हम स्केल बना होता है, मतलब एक पैमाना बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टर स्केल। अब इस रिएक्टर स्केल की वैल्यू होती है 1 से लेकर 9 तक। यदि भूकंप हमारे पास में उसकी हमने देखा कि भूकंप जैसे आया तो हमने उसकी इंटेंसिटी मापी कि भूकंप कितनी तेज आया, तो सपोज करो हमारे पास में जो भूकंप की इंटेंसिटी 1 पॉइंट आई, तो हम ये मान सकते हैं कि उससे जो भूकंप है उससे वो ज़मीन है उसकी मतलब उसमें मूवमेंट कमी हो, उसमें सडन शेकिंग बिल्कुल ही कम हुई, तो उससे नुकसान वगैरह कम होते हैं। जैसे ही उसकी वैल्यू यदि 6 है 7 है 8 है 9 है उसके पास में 9 तक के पास में चली जाती है, तो बहुत तेज़ भूकंप होता है और उससे बहुत सारे नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जो 1 पॉइंट है, ठीक है, 1 से लेकर 4 और 5 तक वो इतने पॉइंट तक के जितने भूकंप होते हैं तो उनसे नुकसान बिल्कुल कम होते हैं, बिल्डिंगें वगैरह इनमें टूटने के चांस कम रहते हैं। लेकिन 5 से ऊपर ही जाने पे 5.5, 5.1, 5.6 जैसे ही इनसे ऊपर हमारे पास में अर्थक्वेक की वैल्यू इनसे ज़्यादा रहती है, इंटेंसिटी अर्थक्वेक की यदि 5 से ज़्यादा रहती है और 9 के बीच में रहती है, तो उससे बहुत सारे लॉसेज हमको देखने के मिलते हैं। तो ये हमारे पास में इंटेंसिटी होगी, यदि भूकंप हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5 तक का पॉइंट उसकी रिएक्टर स्केल भी उसकी वैल्यू 1.34 है, ठीक है, तो हमारे पास में उससे नुकसान बिल्कुल कम होते हैं। यदि 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है उसकी वैल्यू भूकंप आने की वैल्यू 5 से ऊपर है, तो उससे बहुत सारे नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हमने रिएक्टर स्केल के बारे में पढ़ा, सीस्मोग्राफ के बारे में पढ़ा, और हमारे पास में अर्थक्वेक होता है उसके बारे में पढ़ा कि अर्थक्वेक क्या होता है, ठीक है।